माँ तुम चिंता मत करना, दिवाली के बाद जैसे ही छुट्टी मिलेगी मैं घर वापस आऊंगा। पिता और छोटे भाई का ध्यान रखना। अभी एक बड़े मिशन पर हूँ, जैसे ही मिशन पूरा होगा मैं घर लौटूंगा। यह शब्द शहीद शुभम गुप्ता के थे, जो उन्होंने दिवाली पर अपनी माँ को वीडियो कॉल के दौरान कहे थे। यह उनका आखिरी वीडियो था जो शहीद शिवम ने अपनी माँ को दिवाली पर किया था। वह पिछले 6 महीने से घर नहीं आया था। 9 अक्टूबर को शिवम का बर्थडे था। पिछली बार सबके साथ उन्होंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। माँ से वादा भी किया था कि इस बार वह बर्थडे साथ में नहीं मना पाएगा, लेकिन दिवाली के बाद घर जरूर लौटेगा। शुभम अपनी माँ को दिया हुआ वायदा पूरा नहीं कर सका। फिर वह खबर आई जिसने सबकी खुशियां छीन ली। वो जो करना चाहता था उसने किया, सर्वोच्च बलिदान देकर। गर्व है, दिवाली पर शुभम के अपने छोटे भाई ऋषभ और माँ पिता से वीडियो कॉल पर बात हुई थी। शुभम ने अगले सप्ताह आने की बात कही थी। घर वाले भी बेसब्री से शुभम का इंतजार कर रहे थे। माँ पुष्पा और पिता दोनों ही बेटे के सिर पर दूल्हे का चेहरा सजता हुआ देखना चाहते थे। घर में तैयारियां भी शुरू हो गई थी, बस इंतजार था शुभम के घर लौटने का और उसके बाद शुभम की सगाई का कार्यक्रम होना था। लेकिन सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई। एक खबर ने माँ बाप के अरमानों पर पानी फेर दिया। यही कह रहा था कुछ काम बाकी है उसे करके बहुत जल्दी आता हूँ। 2-1 दिन में छुट्टी आने वाला था। पिछले 15 दिन से ही लगातार कह रहा था एक काम है करके आता हूँ, एक काम रह गया उसे करके आता हूँ। आई फील प्राउड। बस यही बताया था कि एनकाउंटर में चोट लगी है, घायल है, हॉस्पिटल में सीरियस है, भर्ती है। कल 4:15 बजे सूचना मिली थी। तो